कुछ ऐसा दिखता है गाइस। ऊपर साइड में गाइस एक थोड़ा सा ढलान सा है, यहाँ से दिखा दूं मैं आपको। ये चेक मारो गाइस लोकेशन अपना जो ग्राउंड वाला एरिया है गाइस, पीछे साइड में आपको ना थोड़ा सा ना, और आपको इधर साइड से लोकेशन दिखाओ तो गाइस आगे में चेक मारो, यहाँ चेक मारो गाइस कितनी प्यारी लग रहा है गाइस। और यहाँ पर जो सनसेट है ना गाइस, आगे में गाइस आपको काफी सारे खेत दिख रहे हो, चेक मार सकते हो। तो गाइस मेरे को पूछ रहे थे कि किस चीज का सर्वे कर रहे हैं, तो गाइस मैंने काका को नॉर्मली बताया कि मैं गाइस हे गाइस गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज के व्लॉग के डायरेक्ट हम शुरुआत कर रहे हैं गाइस अपने खेत वाले एरिया से। एंड गाइस अभी आपको ना एक चीज़ बता दूं गाइस, मैं गाइस ग्राउंड के साइड वाले एरिया में हूँ गाइस अभी ना गाइस, ग्राउंड हमारा आगे साइड में है। यहाँ से आप आई थिंक गाइस आपको दिख रहा होगा गाइस ग्राउंड उधर साइड में है, और मैंने गाइस यहाँ पर चेक मार रखते गाइस आपको ना आगे में एक तालाब दिख रहा होगा, तालाब है गाइस। उसके बाद में ना गाइस पूरा एरिया जो माहौल चालू हो जाता है ना गाइस विलेज वाला, तो गाइस वहाँ से विलेज चालू हो जाता है गाइस, वहाँ पर घर भी है। मैंने गाइस आपको पहले ना बैक वाले कैमरे से दिखा दूँ, और हवा ना गाइस थोड़ी सी तेज चल रही है तो मेरे वॉइस आपको होप करता हूँ गाइस क्लियर आ रही होगी। बाकी इधर साइड में भी गाइस काफ़ी अमेजिंग सी लोकेशन है। सबसे पहले ना गाइस आपको लोकेशन चेक करा दूँ कि एक्चुअल में दिखती कैसी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये चेक मारो गाइस लोकेशन, आपको ना आगे में थोड़ा घर और तालाब भी दिख रहा होगा, यहाँ पर चेक मार सकते हो। और आपको इधर साइड से लोकेशन दिखाऊं तो गाइस आगे में चेक मारो, आपको गाइस पूरे घर दिख रहे होंगे। एंड मोबाइल एरिया गाइस काफ़ी दूर है यहाँ से, ग्राउंड वाला जो एरिया ना गाइस तो उधर साइड में है, और इधर साइड से दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। यहाँ पर गाइस सनसेट भी चेक मार सकते हो। अभी गाइस टाइम ना लगभग 5 बजने को गाइस 5-10 मिनट ही बाकी होगी, क्योंकि मैं ना गाइस 4:44 पर मैं घर से निकल गया था, तो अभी लगभग ना 5-10 मिनट ही बाकी होगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। बाकी उधर साइड में एक तालाब है, और यहाँ पर कुछ ऐसा दिखता है गाइस, ऊपर साइड में गाइस एक थोड़ा सा ढलान सा है, यहाँ से दिखा दूँ ना आपको, तो ये कुछ ढलान जैसा दिख रहा है। तो यहाँ से मैं ऊपर में चढ़ता हूँ और वहाँ से एक बार दिखाता हूँ कि इस वाली लोकेशन का व्यू, फिर देन उसके बाद में ना गाइस मैं ग्राउंड की तरफ में जाऊँगा। और ना गाइस यहाँ पर ना जो पैरोट है ना गाइस, तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी आवाज़ आ रही है, वो आम के पेड़ के ऊपर में बैठा है। यहाँ पर दिखा दूँ पीछे में चेक मारो गाइस, पीछे में ना आम का पेड़ है, तो वहाँ पर गाइस पैरोट बैठा है, और उसकी आवाज़ गाइस इतनी मीठी आती है ना, अभी मैं क्या ही बताऊँ गाइस। सबसे पहले मैं वहाँ पर चले जाऊँ एंड यहाँ पर चेक मारो कुछ ऐसा है, यहाँ पर वहाँ से दिखाता हूँ आपको ये वाले लोकेशन का व्यू कि दिखता कैसा है। गाइस यहाँ से दिखाओ ना गाइस आपको लोकेशन, तो आगे में गाइस आपको एक पलसे का झाड़ दिख रहा होगा, और उसमें गाइस इतने प्यारे प्यारे फूल्स लगे ना गाइस, चेक मारो। और जिस आम की बात करते हैं गाइस, तो ये आम का पेड़ कुछ ऐसा दिखता है, और अपना ग्राउंड वाला एरिया गाइस आगे में है। एंड यहाँ से आप मोइल एरिया गाइस कुछ ऐसा दिखता है, और ये देखो गाइस इधर साइड में तालाब है, और यहाँ से ना गाइस कुछ ऐसा रास्ता है, आगे साइड में पूरा टावर दिख रहा होगा आपको, और उधर साइड में गाइस कुछ कुछ घर भी दिख रहे होंगे। एंड यहाँ से खेती दिखाओ ना तो कुछ ऐसे दिखते, चेक मारो गाइस ये यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया है आज का। मज़ा आया गाइज, हवा ना काफ़ी ज़्यादा तेज चल रही है गाइज, तो मैं होप करता हूँ गाइस मेरे जो वॉइस है ना आपको ठीक तरीके से आ रही है। बाकी गाइस मैं ढलान के ऊपर में तो आ गया, एंड अपना जो ग्राउंड वाला एरिया ना गाइस पीछे साइड में आपको ना थोड़ा सा ना नीला नीला सा गाइस टीन वाला एरिया दिख रहा होगा। बाकी इधर साइड से गाइस आपको लोकेशन दिखाओ तो ये तो मैंने गाइस आपको बैक वाले कैमरे से दिखाई दिया, और दिखा दिया गाइस मैंने बैक वाले कैमरे से आपको दिखा दिया। एंड यहाँ से ना गाइस अभी मैं ग्राउंड की तरफ में जाऊँगा। सो इधर साइड में गाइस मैं पहली बार आया हूँ, इसके पहले मैं कभी नहीं आया, और आगे साइड में भी काफ़ी ज़्यादा गाइस खेती हो रखी है, क्योंकि यहाँ से ना गाइस पूरी बांदी बांदी है, तो वहाँ से मैं तो उधर गाइस रास्ता नहीं है, नहीं तो दिखा रहता आपको। और उधर साइड में ना गाइस बंदर भी है, तो मेरे को थोड़ा ना डर भी लग रहा है। इस वाले पेड़ के ऊपर में गाइस है, ये जो मोवा का पेड़ है ना, इसके ऊपर में भी गाइस बंदर बैठे हैं, और इधर साइड में गाइस अपनी पूरी बस्ती चालू हो जाती है, जो कि अंदर बस्ती के नाम से गाइस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ चेक मारो गाइस कितना प्यारा गाइस ग्रीनरी आ रहा है ना, कितना अमेजिंग व्यू निकल कर आ रहा है गाइस यहाँ पे, बहुत ही मजा आ रहा है मेरे को। और वहाँ पर ना गाइस खेतों के बीच में आप चेक मार सकते हो, वहाँ पर ना गाइस सन का रिफ्लेक्शन भी आ रहा है। और ना गाइस आपको बंदी यानी समझ में नहीं आएगा गाइस, गाँव को जो खेती होती है ना गाइस एक्चुअल में, तो गाँव वाले लैंग्वेज में गाइस उसको बंदी बोलते हैं, जो कि खेत रहता है ना, तो गाइस यहाँ पर काफ़ी सारे खेत है जिसको गाइस गाँव वाले लैंग्वेज में बंदी बोलते हैं, तो मैं वही वाला वर्ड यूज़ किया, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो गाइस विलेज से बिलोंग करते हैं उनको समझ में आ गया, एंड जो सिटी वाले बंदे हैं उनको गाइस मैंने बता दिया कि बंदी को गाइस खेती बोलते हैं, बंदी यानी गाइस वो कुछ और बंदी है, और ये वाला गाइस कुछ और बंदी है, तो जो खेत है ना एक्चुअल में इसको गाइस विलेज वाले लैंग्वेज में बंदी बोलते हैं। बाकी गाइस अभी ना मैं निकलता हूँ ग्राउंड के तरफ में, क्योंकि गाइस आधा ब्लॉग मैं उधर शूट करूँगा एंड वर्कआउट वगैरह भी करूँगा, और इस ब्लॉग का ना गाइस मैं ज़्यादा लेंथी नहीं रखूँगा, तो अभी मिलता हूँ आपको गाइस ग्राउंड वाले एरिया की तरफ। A few moments later. यहाँ से दिखाओ तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है, आगे में गाइस आपको काफ़ी सारे खेत दिख रहे होंगे, चेक मार सकते हो। और ग्रीनरी गाइस, तो इसका तो कुछ जवाब ही नहीं है। बाकी यहाँ पर भी गाइस पलसे का पेड़ है, और उसके पीछे में गाइस काफ़ी अच्छी सनलाइट भी आ रही है। एंड आगे साइड में गाइस अपना तालाब वाला एरिया है, और ग्राउंड गाइस इधर साइड में है, मॉल एरिया कुछ ऐसा है, और यहाँ पर नीचे में चेक मारो गाइस खेती, तो ये गाइस कुछ ऐसा रास्ता है। और अभी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड की साइड, तो गाइस अभी ना मैं रोड के गाइस बीच में खड़ा हो गया, एंड जो अभी ना गाइस मैं इधर साइड में गया था, और अपना जो ग्राउंड वाला एरिया ना गाइस तो इधर साइड में, ये चेक मारो। एंड यहाँ से गाइस जो रोड है, काका गाइस बोल रहे थे, जो काका गाइस पीछे में खड़े ना गाइस किस चीज़ का सर्वे कर रहे बोले,
तो मैंने नॉर्मली बोला गया कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी इस वाली लोकेशन पर मैं अभी गया था एंड गए साइकिल ना मेरी यहाँ पर खड़ी है, चेक मार सकते हो। उसके ऊपर मैं इस पानी की बोतल रखा हूँ, तो बोतल पकड़ के अभी मैं जाऊँगा ग्राउंड के साइड में एंड अभी आपको मिलता हूँ डायरेक्ट मैं ग्राउंड पर ही। 5 minutes later यहाँ चेक मारो गैस, हवा ना काफ़ी ज़्यादा चल रही है गैस, तो आपको ना होप करता हूँ मेरी जो वॉइस है क्लियर आ रही है। और अपना जो ग्राउंड वाला रास्ता है ना गैस, तो कुछ ऐसा है यहाँ से चेक मार सकते हो। आगे मैं आपको इधर साइड में भी खेती, इधर साइड में खेती, और गैस आगे में ना आपको एक महुए का पेड़ दिख रहा होगा, और जो ब्लू वाला गैस टीन लगे उसमें वो तो आपको पता ही है, वहाँ पर गैस एक्सरसाइज वगैरह होती है। बाकी ग्राउंड वाले एरिया दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है, फ्लैग गैस चेक मार सकते हो कितना अच्छा गैस लहर रहे ना। बाकी हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो ये कुछ ऐसा है गैस अपना ग्राउंड वाला सीन। बाकी सनसेट भी हो रहा है, आपको सनसेट भी दिखाऊंगा गैस थोड़ी देर में। अच्छा सो गैस अभी ना मैं ग्राउंड के ऊपर मैं आ गया गैस, और अभी जिस लोकेशन पर मैं गया था ना गैस, इतनी खूबसूरत आपको तो सभी को दिखाई दिया मैंने, और गैस उसके बारे में मैं क्या ही बात करूं। वहां पर ना गैस काका थे जो कि गैस गाय भैंस वगैरह चरा रहे हैं, तो गैस मेरे को पूछ रहे थे कि किस चीज़ का सर्वे कर रहे हैं। तो गैस मैंने काका को नॉर्मली बताया कि मैं गैस वीडियो शूट कर रहा था, तो काका को समझ भी नहीं आया कि एक्चुअल में बंदा बोल क्या रहा है। बाकी गैस आपको बंदी वाला जो सीन है ना गैस समझ में आ गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। बाकी ग्राउंड वाले एरिया कुछ ऐसा है अपना, अभी भी गैस कोई नहीं है ग्राउंड के ऊपर, मैं अकेला बंदा मैं यहाँ कर यहाँ पर खड़ा हो गया एंड खड़ा ही नहीं हुआ गैस, ब्लॉग भी शूट कर रहा हूँ। बाकी गैस पानी की बॉटल ना मेरी यहाँ पर है, ये गैस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसको गैस मैं 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ गैस पानी की बॉटल, क्योंकि ना गैस जैसा ट्रैवल करके आना पड़ता है ना गैस, तो अभी समर चालू है, तो समर के टाइम ना गैस काफ़ी ज़्यादा थकान से महसूस होती है और पानी प्यास भी लग जाती है। तो इधर साइड में अपना सनसेट भी हो रहा है, और तालाब चेक मारो गैस कितना खूबसूरत लगता है ना गैस, इस समय ना जो व्यू निकल कर आता है ना गैस, मैं अभी क्या ही बताऊँ उसको 100% गैस, 100% क्या बोल रहा हूँ गैस मैं भी, अरे कहना क्या चाहते हो, कुछ भी बोल रहा हूँ गैस, इतना अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल नेचर जो है ना गैस, नेचर की मैं क्या ही बात करूँ, और गाँव वाला जो नेचर है तो अल्टीमेट गैस। और अभी ना गैस आपको मैं थोड़ा तालाब दिखा दूँ, तालाब का जो लहर है ना गैस, आपको मेरे कैमरा में उतना रिकॉर्ड नहीं होता, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको तालाब। गैस ध्यान से देखो गैस आपको ना तालाब की लहर है, आई होप ठीक से दिख रही होगी। बाकी गैस ऊपर साइड में ना सन है, तो मैं सन के ऊपर में नहीं लेके जाऊँगा अभी, तो सन की तरफ मैं गैस मैं कैमरा नहीं घुमाऊंगा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ना मैंने इसका जो ब्राइटनेस है ना गैस उसको एक्सपोजर लॉक कर दिया गैस एक्सपोजर, तो आपको सिर्फ जो तालाब वाला सीन है ना गैस वही काफ़ी अच्छे से दिखेगा। बाकी ऐसा है अपना, एंड इधर साइड दिखाऊँ तो ग्राउंड खाली पड़ा है, यहाँ पर कोई है नहीं अभी। गैस मैं जैसे घर से निकला ना गैस, तो मेरा ना मूड काफ़ी सारा ऑफ था, क्योंकि गैस मेरे वीडियोस वगैरह चल रहे नहीं है, कुछ भी गैस रिस्पॉन्स आप लोगों का आ रहा नहीं है, तो मैं ना गैस पूरा सैड होकर आया था। बट गैस जो लोकेशन पर आज मैं गया था ना गैस, तो मुझे वहाँ पर जाकर ना गैस दिल खुश हो गया, तो अभी पावर भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है वीडियो में, आपको थोड़ा ना हाइपरनेस दिख रही होगी। बाकी गैस मैं आज नॉर्मली गैस मैं ब्लॉग शूट करने वाला था, बट वहाँ पर जाकर ना गैस जो नेचर की गैस ब्यूटी दिखी ना गैस, तो क्या ही बोलूँ गैस अभी उसके बारे में, गैस कुछ वर्ड ही नहीं आ रहे मेरे पास में। बाकी कुछ ऐसा सीन है, एक ग्राउंड तो गैस मैंने कितनी ही बार आपको दिखा दिया, अभी गैस आपको ना सनसेट दिखाना बाकी है, तो अभी सनसेट दिखाता हूँ आपको एंड मिलता हूँ गैस आपको, मैं वर्कआउट वगैरह भी अपना चालू कर दूंगा एंड मिलता हूँ गैस आपको सनसेट दिखाने के बाद में। यहाँ चेक मारो गैस सनसेट कुछ ऐसा हो रहा है, अभी गैस काफ़ी ज़्यादा सन ऊपर में है, क्योंकि अभी गैस 5 बजकर ना लगभग 15-20 मिनट हुआ होगा, तो ऊपर में ही है अभी। पेड़ जो आप आगे में देख पा रहे हो गैस वहाँ तक के आने का है, बाकी आसपास का एरिया आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने एक्सपोजर इसका लॉक करके रखा है। और सनसेट दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है गैस, ग्राउंड के साइड में जब मैं ये वाले टाइम पर आता हूँ ना गैस इवनिंग के टाइम में, तो गैस यहाँ पर ना चिड़ियों का गैस इतना प्यारा गैस आवाज़, इसको आवाज़ कह लो या फिर उनकी धुन कह लो या फिर गैस शोर शराबा कह लो भी, उनका उनको पता है, मेरे को तो गैस उतना कुछ पता नहीं है। एंड ना गैस अभी मैं अपने वर्कआउट के लिए गैस बिजी हो जाता हूँ, और आप सभी को ना गैस मैं घर जाते समय अपना ब्लॉग ना गैस आज मैं घर जाते समय एंड करने वाला हूँ। यहाँ पर गैस अभी ग्राउंड के ऊपर में कोई है नहीं, और गैस सन भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो गैस घर में भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो अभी मैं क्या करता हूँ गैस, अभी मैं वर्कआउट वगैरह पहले ना वार्म अप कर लेता हूँ, देन वर्कआउट करने के बाद में आप सभी से मिलता हूँ। गैस ग्राउंड पर ना आज गैस शॉर्ट हो गया, यहाँ पर गैस जो डंबल मेरे से उठता था ना गैस, तो ये चेक मारो गैस इसका ना वाट लगा दिए एंड इसको ना गैस यहाँ से तोड़ दिए है, यहाँ पर चेक मारो गैस ये टूट गया। तो अभी गैस ये डंबल गैस मेरे से उठता था एंड बड़ा वाला डंबल्स यहाँ पर रखा है, तो ये ना गैस मेरे से उठता ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हेवी है। और यहाँ पर कुछ ऐसा बना के रखा है, चेक मार सकते हो यहाँ पर, ये इसका यूज़ क्या करते हैं गैस मेरे को नहीं पता। बाकी ये कुछ ऐसा है, और यार डंबल्स गैस टूट गया, तो ये ना थोड़ा सा अफसोस वाली बात है। बाकी गैस अभी मैं अपनी चालू कर देता हूँ वर्कआउट। 3 hours later सो गैस फाइनली वर्कआउट इज ऑल डन गैस, अभी मैं निकला हूँ घर की ओर मैं। एंड गैस यहाँ पे कुछ ऐसा सीन हो रहा है, अभी चेक मार सकते हैं गैस अभी ना ऑलमोस्ट 6 बजते आ रहे हैं एंड गैस हवा भी थोड़ी सी चल रही है, तो होप ना मेरे गैस जो वॉइस है ना गैस आपको क्लियर आ रही होगी। बाकी यहाँ से मैं निकलता हूँ घर की ओर मैं एंड यहाँ से ना गैस मैंने एक्सपोजर फ़ोन का लॉक करके रखा है, तो आपको ना थोड़ा सा अंधेला भी दिख रहा होगा एंड फ्लैग चेक मार सकते हो गैस कितना अमेजिंग तरीके से गैस ऐसे
लहरा रहे हैं, बाकी साइकिल ने मेरी आगे में रखी हैं। तो सो गाइस आज ना मैं गाइस एकदम मूड ऑफ होके आया था गाइस, बट ना मैं उधर साइड में जब गया ना गाइस, तो एक्चुअल में गाइस मेरे को ना व्लॉग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, एंड मेरे को तो लगता है गाइस काफ़ी अच्छा व्लॉग बना है। बाकी गाइस आप लोगों को पसंद आता है नहीं आता गाइस तो आप लोगों को पता ही है। बाकी मेरी साइकिल वहाँ पर है, आपको दिखा दूँ तो गाइस वो वहाँ पर चेक मार सकते हो, वहाँ पर दो बाइक्स भी है एंड मेरी साइकिल उसके बीच में ही खड़ी है। सो गाइस आज के व्लॉग को ना मैं यही तक के रखता हूँ गाइस, होप करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आता है तो गाइस आप सभी को पता ही है कि क्या क्या करना होता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके, शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एडियस आउट।